सब आगे से पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है। एक ये एक और देखी भाई, तो ये 30वीं एम्बुलेंस भाई, तीनों एक्सीडेंट में पड़ी हुई है। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आपका वेलकम है आज के नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बजे हैं 10:30 और मुझे जाना था अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर ले जाने के कुछ दिन पहले, तो मैं किसी काम की वजह से जा नहीं पा रहा था। तो आज मैं फ्री था तो मैंने कहा चलिए आज सर्विस सेंटर जाते हैं और अपनी गाड़ी सर्विस कराते हैं और दिखाते हैं कि मतलब ये लोग सर्विसिंग में क्या करते हैं, क्या मेजर चेंजेस करते हैं और क्या मतलब बजट बनाते हैं सर्विस का, तो कैसे कैसे काम करते हैं। तो वैसे अब हम जा रहे हैं अपनी होंडा अमेज को सर्विस कराने, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस ऑलमोस्ट हो गए, 1 महीने से ड्यू पड़ी हुई है। तो उनका मेरे को कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि सर आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, जल्दी जल्दी करा लीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं होंडा के सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी सर्विस कराने। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस होता है होंडा में सर्विसिंग का और क्या चार्जेस लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाड़ी ये अपनी भी होंडा अमेज और वहाँ पे खड़ी है अपनी ग्रैंड विटारा। तो पहले जा के ग्रैंड विटारा हटानी पड़ेगी फिर ये निकलेगी। ये हमने लगा दी यहाँ पे और चलिए उसको लेकर निकलते हैं। चलिए निकला जाए इसको। अंदर एंट्री वगैरह हो चुकी है भाई। पहली गाड़ी हमने यहाँ पे देखी है, हमने गाड़ी भी भाई सब आगे से पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है। एक ये एक और देखी भाई, तो ये 30वीं एम्बुलेंस भाई, तीनों एक्सीडेंटल में पड़ी हुई है भाई, कोई कोई गाड़ी है खत्म है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी लगाते हैं और किसी एडवाइज़र को, एक एडवाइज़र हैं जिन जो मेरे को कॉल किए थे उनसे बात करते हैं। यहाँ पर नया सर्विस सेंटर शिफ्ट हुआ, पहले दूसरी का था, अभी जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसलिए सबको नया नया है भाई। ये काफ़ी बढ़िया मतलब ये यहाँ के हैं मैनेजर। तो भाई अभी अपना नंबर आने वाला है, मतलब एडवाइज़र है नहीं, फिर हमने अपना नंबर वगैरह ले लिया है। तो अभी कोटेशन वगैरह होता है इंफेक्शन। तो भाई कोटेशन वगैरह बन रहा है, बहुत देर नहीं होगा, 2 मिनट बस जाके पूछ के बता दे। गेट पास उसी में होगा। तो अभी सही से यार, तो वो गए भैया जी जिनका प्रिंट नहीं निकल रहा, प्रिंट निकाल के दें फिर हम निकलते हैं घर के लिए। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं बाइक से वापस, ये गाड़ी अभी मिलेगी सामने, अभी हम बैठ के करते हैं। ये यहाँ का वर्कशॉप अंदर। तो भाई आ रहे थे मनोज हमको लेने, वापस निकल रहा है घर और फिर सामने आएंगे। चलो बैठ के चलते हैं सर। ये देखो गाड़ी है, कितनी एक्सीडेंटल गाड़ी है, सब लगी हुई है एक्सीडेंट। तो भाई फिलहाल हम निकल चुके हैं वापस घर की तरफ। Amazing! Amazing! Amazing!
भाई अभी शाम हो चुके, वापस घर निकल चुके हैं गाड़ी जब उठाने, सही है शाम के 6 गाड़ी में रेडी नहीं हुई है, अभी बैठा दोपहर में गाड़ी देखे गया था 2 बजे 1:30 बजे भाई 6 बज चुका है, अभी तो गाड़ी रेडी नहीं हुई और गाड़ी को कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं बंदा कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा यार, बेजिंग वाला हमारा कुछ पुराना पेमेंट में बकाया हुआ था 2000 रुपये जो मैंने एडवांस किया था, तो उसी के चक्कर से नहीं हो जाता है, मैं रोक होता फिर गाड़ी तब चलते हैं। तो भाई ये गाड़ी अपनी सर्विस होके भी कुछ चमक के खड़ी हुई है यहाँ पे, तो भाई गाड़ी वगैरह तो बिल्कुल चमका दी है बाहर से, अब देख सकते मैं किस कंडीशन में गया था अभी, तो भाई गाड़ी फिलहाल बड़ी अच्छी है, तो भाई अंदर से भी देखते हैं क्या ही चमकाया है भाई, वो तो अभी चलाने पे ही पता चलेगा। टेस्ट ड्राइव वगैरह क्या हुआ, 3 अजीब सी स्मेल आ रही है गाड़ी के अंदर से सर्विस के बाद से, चलिए अभी देखते हैं। अभी भाई बिलिंग का काम रह गया है, बिलिंग का काम होता है फिर निकलते हैं, बिलिंग वगैरह हो चुकी है, वो बच चुका है 7:30। तो भाई फिलहाल हम गाड़ी लेके निकल चुके हैं घर के लिए, तो भाई इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया जो कि सब्जी का था, क्योंकि मेरा 2000 रुपये यहाँ पर पहले तक एडवांस पड़ा हुआ था, बस उसके 2000 के चक्कर से मैं वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे सुकून में बैठाएगा भाई। इन्होंने बोला कि आपने जो पे जिस अकाउंट से पेमेंट की थी उस पेमेंट की डिटेल दो, मैंने पेमेंट की डिटेल दी, फिर GST नंबर मांगा क्योंकि मैंने फर्म के अकाउंट से की थी, GST नंबर दे दिया, फिर उसके आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर मांगा मैंने वो दे दिया, फिर बोलते हैं जो ओनर है कार के उनका आप हमको आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर दीजिए, भाई उसके बाद भी मेरा जो पेमेंट था वो क्लियर नहीं किया गया, वो मैंने 2000 मैंने मतलब अभी वो वैसे ही पड़ा हुआ है शोरूम पे फिर से, तो जो एडवाइज़र थे उन्होंने बोला कि आप ले जाइए गाड़ी और फुल पेमेंट कर दीजिए, 2000 वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएंगे जब मैं उनको कैंसिल चेक दूंगा। भाई ये इतने टाइम ये लोग नहीं देखते हैं कि भाई किसके अकाउंट से पेमेंट आ रही है कैसे आ रही, तब आप बस पेमेंट कर दो इनको, भाई देने के टाइम पे इतने नाटक किए हुए हैं कुछ कहने के नहीं, अभी पेमेंट में ही 2000 रुपये वो वापस भी नहीं आए हैं, भाई क्या क्या हालत बना रखी है, चूतिया बना रखा है अंडा वालों ने भाई। कोई बात नहीं भाई, अब नेक्स्ट टाइम ये तो समझ आ गया कि इनको एडवांस पेमेंट किसी भी चीज़ की नहीं देनी है, और आज के बाद तो मैं होंडा में ना होंडा में आज के बाद भाई कभी मैं गाड़ी यहाँ पर तो सर्विस नहीं करवा रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं,